Hello, good morning students. Today's our topic is even and the odd numbers. So let us start first even number. What is the even numbers? बेटा even numbers क्या होते हैं? Any numbers that can be made into pairs is an even number. Even number बेटा वो होते हैं जिसके pairs बनते हैं. जैसे one pair है. One pair में क्या होते हैं बेटा? टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं. जैसे आपके स्लीपर्स हैं, आप स्लीपर्स पहनते हैं ना. स्लीपर्स में क्या होता है बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे? वन पेयर स्लीपर. ठीक है, एक पेयर में क्या होता है, देखो टू स्लीपर्स होते हैं आपके, होते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वन पेयर. ठीक है, अब इसी तरह से ही इसमें क्या है, वन पेयर में क्या होगा? टू होंगे. ठीक है, अब टू पेयर्स में क्या होंगे? फोर. और थ्री पेयर्स में क्या होंगे? सिक्स. और फोर पेयर्स में क्या होंगे? एट. ओके, ये तो हो गए बेटा इवन नंबर पेयर्स का. ठीक है, ऑल द नंबर्स दैट हैव जीरो टू फोर सिक्स एट एट द वंस प्लेस आर द कॉल्ड इवन नंबर. बेटा इवन नंबर वो भी होते हैं जिसके वंस, जो भी नंबर्स होते हैं उसमें वंस प्लेस पर क्या होगा? जीरो टू फोर सिक्स एट. ठीक है, वो भी क्या कहलाएंगे? इवन नंबर कहलाएंगे. जिस तरह देखिए बेटा, जैसे क्या है, 12 है. अब 12 के वंस प्लेस पर क्या है? 2 है. तो इट इज इवन नंबर, इट इज इवन नंबर. ठीक है, 14 है. अब 14 में वंस प्लेस पर क्या है बेटा? 4 है ना, तो ये भी क्या होगा? इट इज इवन नंबर. ठीक है, नेक्स्ट है 18. 18 के वंस प्लेस पर क्या है बेटा? एट. एट है ना, तो ये क्या हो गया? इट इज इवन नंबर. इसी तरह से 24. अब 24 है बेटा, 24 में वंस प्लेस पर क्या है? फोर. फोर क्या है बेटा? इवन नंबर है. जैसे मैंने बताया था आपको, जीरो टू फोर सिक्स एट आने चाहिए वंस प्लेस पर, वो सारे क्या होंगे? दे आर कॉल्ड इवन नंबर. ओके, इसी तरह से बेटा इसका एक मेथड हो रहा है, टू, जो टू से पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, वो भी बच्चों क्या होता है? इवन नंबर कहलाते हैं. जैसे टू सिक्स जा 12, तो कंप्लीटली ये डिवाइड हो गए. टू सेवन जा 14, टू नाइन जा 18, अब टू वन जा 2, टू टू जा 4, ये भी कंप्लीटली टू से डिवाइड हो गया. तो बेटा दे कॉल्ड आर इवन नंबर. अब आप आ जाइए, देखिए बेटा अब इवन नंबर आपको समझ में आ गया. अब हम बताएंगे आपको ओड नंबर. व्हाट आर ओड नंबर? ओड नंबर एनी नंबर दैट कैन नॉट बी मेड इनटू पेयर इज एन ओड नंबर. ऑल द नंबर्स दैट हैव 1, 3, 5, 7, 9 एट द वंस प्लेस आर कॉल्ड ओड नंबर. ठीक है, अब आप देखिए बेटा, हमें सबसे पहले बताना है पेयर कि बी मेड इन टू द पेयर इन द एन ओड नंबर, जिसके पेयर नहीं बनते वो ओड नंबर कहलाते हैं. अब जैसे वन है, इसमें कोई पेयर नहीं है, ये सिंगल है, तो वन इज द ओड नंबर. अब इसके बाद में क्या आएगा बेटा? थ्री. अब देखिए इन दोनों कार्टून का पेयर बन रहा है, इसका नहीं बन रहा, रेड का. ठीक है, अब ये कैट का बन रहा है ना, कैट टू है और ये रेड वन है, तो ये सिंगल रहेगा, इनका कोई पेयर नहीं बन रहा, वन पेयर बन रहा और ये सिंगल है, तो थ्री इज अ ओड नंबर. अब आ जाइए फाइव पर. देखिए ये कैट है, वन पेयर इसका बन गया, एक रैट है, वन पेयर इसका बन गया, अब ये सिंगल रह गया. ठीक है, इसका कोई पेयर नहीं है, तो फाइव इज अ ओड नंबर. नेक्स्ट है सेवन. अब देखिए एक इसका पेयर बन गया, एक इसका पेयर बन गया, टू पेयर्स हो गए एंड थ्री पेयर्स, अब ये सिंगल रह गया, ये सेवन है, सेवन है, तो सेवन इज अ ओड नंबर. अब नेक्स्ट है नाइन. नाइन में देखिए बेटा, एक तो ये पेयर बन गया, वन टू, ठीक है, एंड थ्री एंड फोर. ठीक है, फोर पेयर्स ये बन गए, लेकिन ये सिंगल रह गए बेटा, है ना. फोर पेयर्स के तो एट हो गए, एट एंड वन नाइन, नाइन नाइन इज अ ओड नंबर. ठीक है, इसी तरह से बेटा देखिए, जैसे थर्टीन है,
अब हमें ये बताना है ऑल द नंबर्स दैट हैव 1, 3, 5, 7, 9 एट द वंस प्लेस आर द कॉल्ड ओड नंबर कहलाते हैं। अब जैसे 13 है, 13 के वन प्लेस पर क्या है बेटा, 3 है, तो 3 इज अ ओड नंबर, 3 इज अ ओड नंबर। 19 है, तो 19 के वंस प्लेस पर क्या नंबर है बेटा, 9, तो 9 इज अ ओड नंबर। 20, सो 19 इज द ओड नंबर। अब देखिए ये कौन कौन सा नंबर है, 21, इसके वंस प्लेस पर क्या है, 1, तो 1 इज द ओड नंबर, सो 21 इज द ओड नंबर। अब इसी तरह से क्या है, 25, 25 के वंस प्लेस पर 5। अब हमें ये पता है ना कि 5 क्या है, ओड नंबर है, तो 25 क्या बन गया, ओड नंबर। अब देखिए, अब बेटा सी द कैटरपिलर, अब देखिए इसमें शो किया हुआ है 1 to 9 तक काउंटिंग शो की हुई है, इसमें हमें बताना है ओड नंबर कौन सा है इसमें से और इवन नंबर कौन सा है। आफ्टर एवरी ओड नंबर देयर इज एन इवन नंबर, आफ्टर एवरी ओड मतलब जो प्रत्येक ओड नंबर दिया हुआ है उसके बाद वाला जो नंबर होता है इवन नंबर होता है, और इवन नंबर से पहले वाला नंबर ओड नंबर होता है। ठीक है, जैसे 1 इज अ ओड नंबर, 2 इवन नंबर, 3 ओड नंबर, 4 इवन नंबर एंड 5 ओड नंबर, 6 इवन नंबर, 7 ओड नंबर, 8 इवन नंबर एंड 9 ओड नंबर। ठीक है, इस तरह से भी बेटा आप कर सकते हैं। जैसे काउंटिंग है, जैसे मान लो बेटा 11 हमने स्टार्ट करी, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। अब जैसे क्या आएगा, जो इवन नंबर से पहले क्या होता है, ओड नंबर आता है, और ओड नंबर से बाद वाला नंबर क्या आता है, इवन नंबर आता है। ठीक है, हम गैप भी करते जाएंगे ना बेटा, देखिए ओड नंबर 13, ओड नंबर 15, ओड नंबर 17, ओड नंबर 19, ओड नंबर 1, 1 हम गैप करते जाएंगे, एक तरीका ये भी है। इसी तरह से इवन नंबर 12 है, 12 के बाद क्या आएगा बेटा, 14, 14 के बाद क्या आएगा, 16, 16 के बाद क्या आएगा, 18, और 18 के बाद क्या आएगा, 20। बेटा आपको इवन नंबर और ओड नंबर समझ में आ गए होंगे, अब आपको ये एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, पेज नंबर 26। ठीक है, अब जैसे देखिए बेटा 42 दिया हुआ है, इसके वंस प्लेस पर क्या है, राइट द इवन नंबर, हमें इवन नंबर बताने हैं। ठीक है, जैसे क्या है, 42 है, 42 के बाद वाला एक नंबर हम छोड़ देंगे। ठीक है, 43 क्या हो गया, ओड नंबर, 44 क्या है, इवन नंबर, फिर 45 क्या होगा, ओड नंबर, 46 क्या होगा बेटा, 46 इवन नंबर, फिर 47 हम छोड़ देंगे, 47 इज द ओड नंबर एंड 48 द इवन नंबर, फिर 49 हम छोड़ देंगे, फिर क्या जाएगा, 50 इज द इवन नंबर। ठीक है, फिर 50 के बाद में क्या जाएगा बेटा, 51 हम छोड़ देंगे, 52 इज द इवन नंबर, 53 इज द ओड नंबर एंड 54 इज द इवन नंबर, फिर 55 छोड़ देंगे, 56 इज द इवन नंबर। इसी तरह से बेटा आपको 1-1 नंबर गैप कर देना है। ठीक है, ये बहुत आसान तरीका है, इससे आप बहुत इजीली कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए बेटा 20, देखिए बेटा मैं फिल कर देती हूँ। अब देखिए 42 हमने 1 नंबर गैप कर दिया, 43, 44 आ गया, फिर 45 हम गैप कर देंगे, 46, 48, 50, 52, 54 एंड 56। इसी तरह से बेटे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अब ये 28 दिया हुआ है, 28 के बाद में हमें 1 नंबर गैप कर देना है, 28 के बाद क्या आता है, 29, 29 इज द ओड नंबर, बट 30 इज द इवन नंबर, 31 हम छोड़ देंगे, क्या जाएगा, 32, 34, 36, 38, 40, 42। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट 52, ठीक है, 52 के बाद क्या आएगा बेटा, 54 इवन नंबर, नेक्स्ट नंबर क्या होगा 54 के बाद इवन नंबर, 56, इससे नेक्स्ट नंबर 58, इससे नेक्स्ट नंबर
60 से नेक्स्ट नंबर 62, 62 से नेक्स्ट नंबर 64, 64 से नेक्स्ट नंबर 66। इसी तरह से बेटा ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। इसी तरह से आपको ये होमवर्क बुक में करना है और नोटबुक में भी करना है, ठीक है। इसी तरह से बेटा हम करेंगे राइट द ओड नंबर। अब ओड नंबर करेंगे, देखिए ओड नंबर में भी मैंने बताया था ना बेटा आपको कि हमें गैप करना है। जैसे 29 है, 29 के बाद 30 इज द इवन नंबर और 31 इज द ओड नंबर। अब इससे नेक्स्ट नंबर ओड नंबर क्या होगा बेटा? 33। इससे नेक्स्ट नंबर 35, इससे नेक्स्ट नंबर 37, 39, 41 एंड 43। इट मीन्स आपको बेटा वन नंबर गैप करके करना है, ठीक है, ओड नंबर में भी और इवन नंबर में भी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, 53 है, 53 के बाद में नेक्स्ट नंबर क्या है बेटा? ओड। 55, 55 के बाद ओड नंबर क्या जाएगा? 57, 59, 61 एंड 63, 65 एंड 67। इसी तरह से देखिए 69 दिया हुआ बेटा, 69 इज द ओड नंबर एंड 70 इज द इवन नंबर। हमें वन इवन नंबर तो गैप करना है। जैसे हमने इवन नंबर में ओड नंबर को छोड़ दिया, उससे नेक्स्ट नंबर लिखा है, इसी तरह से ओड नंबर में इवन नंबर को छोड़ना है और ओड नंबर को लिखना है, ठीक है। 71 है बेटा, 71 के बाद क्या आएगा? 73, 75, 77, 79, 81 एंड 83। अब देखिए 11 से नेक्स्ट ओड नंबर क्या होगा? 13, 13 से नेक्स्ट ओड नंबर 15, नेक्स्ट ओड नंबर 17, नेक्स्ट ओड नंबर 19, 19 के बाद क्या आएगा बेटा? 21, 21 के बाद क्या आएगा? 23 एंड 25, ठीक है बेटा। ये आपको होमवर्क करना है, ये आपको बेटा बुक में भी करना है और नोटबुक में भी करना है, ठीक है। बुक में भी बेटा पेज नंबर 26 और 27 बुक में करना है और नोटबुक में भी बेटा चैप्टर नंबर 2 डालना है आपको। देखिए चैप्टर नंबर 2 डालना है, इवन एंड द ओड नंबर उसमें चैप्टर का नाम डालना है, डेट मेंशन करनी है। इसी तरह से बेटा आपको नोटबुक में बहुत सुंदर सुंदर वर्क करना है, नीट एंड क्लीन वर्क करना। नाउ वी विल डू दिस एक्सरसाइज, काउंट एंड राइट। काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड मेक द पेयर्स टू फाइंड वेदर द नंबर इज इवन और ओड नंबर। बेटा ये ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, हमें इन ऑब्जेक्ट्स को देखकर बताना है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स इवन है और कौन से ओड है, ठीक है। अब देखें हाउ मेनी लाइंस, 1, 2, 3, 4। अच्छा बच्चे बताओ 4 ओड नंबर होगा या इवन नंबर होगा? 4 इज द इवन नंबर, ओके, राइट एयर 4। देखो बेटा इस तरह से भी हम कर सकते हैं, पेयर बनाएंगे। अब एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, तो 2 पेयर्स बन गए, ठीक है, 2 पेयर्स बन गए ना बेटा, तो ये क्या हो गया? 4 हो गए। 2 पेयर्स में कितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं? 4 होते हैं, 1, 2, 3, 4। तो 4 हम 4 किस में, ओड में लिखेंगे या इवन में लिखेंगे? इवन में लिखेंगे, क्योंकि 4 इज द इवन नंबर। हाउ मैनी बॉल्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा बच्चे बताइए 7 इज द ओड नंबर या इवन नंबर? 7 इज द ओड नंबर, ओके। नेक्स्ट हाउ मैनी बलून्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब बताइए 12 इज द ओड नंबर या इवन नंबर? 12 इज द इवन नंबर। हम इसको बेटा देखेंगे, एक तो पेयर बना के भी देख सकते हैं। देखिए 1 पेयर बन गया इसका, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब इन सबके पेयर बन गए ना, हम पेयर के थ्रू भी देख सकते हैं, तो ये हमारा क्या आ गया? इवन नंबर। और दूसरी तरह से हम ये भी देख सकते हैं बेटा, 12 है, 12 देखिए बेटा मैंने बताया था ना आपको कि 12 है, जैसे 12 के वंस प्लेस पर क्या है बेटा? 2 है, तो इट इज इवन नंबर। नेक्स्ट है बेटा हाउ मैनी टैबलेट्स, ये टैबलेट्स दी हुई हैं,
आपको इन्हें काउंट करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब ये 15 है बेटा, बताइए 15 ऑड नंबर है या इवन नंबर है? 15 इज द ऑड नंबर, क्योंकि इसके पेयर नहीं बने हुए। देखो पहले बेटा हम पेयर भी बनाकर देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 तो पेयर बन गए, अब एक सिंगल रह गया बेटा, क्योंकि जिनका पेयर नहीं बनता वो क्या क्या कहलाते हैं बेटा? ऑड नंबर कहलाते हैं। और ये भी देखना है, देखो इसके वंस प्लेस पर क्या है, 5 है, तो जब 1, 3, 5, 7, 9 आता है तो वो क्या आता है? ऑड नंबर आता है, तो 15 इज द ऑड नंबर। हाउ मैनी एलिफेंट्स? 3 एलिफेंट्स है बेटा, तो 3 आपको पता ही है ऑड नंबर, 3 इज द ऑड नंबर, ठीक है। हाउ मैनी कार्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब बताइए बेटा 10 इज द ऑड नंबर या इवन नंबर? 10 इज द इवन नंबर। हाउ मैनी पेन्स? काउंट देम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 इज द ऑड नंबर या इवन नंबर? 21 इज द ऑड नंबर। ओके बेटा, ये आपको ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं नोटबुक में और आपको कंप्लीट भी करने हैं, बुक में भी करना है बेटा और नोटबुक में भी करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।